ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती 8 साल की बच्ची के साथ ट्यूशन पढ़ाने वाली मैडम के 52 साल का पति करता रहा 2 साल से बलात्कार। श्री आनंदपुर साहिब के नजदीक पड़ते गांव दड़ोली में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसे पूरी मानवता को शर्मसार किया है। दड़ोली गांव में 8 साल की बच्ची के साथ एक 52 साल के व्यक्ति द्वारा पिछले 2 साल से बलात्कार किया जा रहा था। पारिवारिक मेंबरों द्वारा मामला पुलिस के सामने रखा गया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह का अपने को एक सुंदर कौर वाइफ अंदर मेल संघ पिंड द्रोदी ने कंप्लेंट बयान दर्ज कराया साड़ी जी महिला सब इंस्पैक्टर अपनिंदर कौर को जी बेटी जरा इतने वो भी बेटी ट्यूशन पढ़ती सी जरा हसबेंड है ट्यूटर का मुकेश कुमार के पिछले अस्से तो सैक्सुअल हरासमेंट कर रहा कोई लाल स्टॉक वगैरह लेके रेप कर रहा सो उस उन्होंने बयान के आधार पर उसने एफ आई आर लॉज कर दी है। तो हम जो अगला कर रही लड़ियों को जो महिला समझौते करवा अज एक यहोजी घिनौनी हरकत हुई है कि जी कि जिद जिन्हें साढ़े पूरे इलाके का जरा इलाके शर्मसार किया है। ये साढ़े भैन जी ने इन्हों की बच्ची सी जी 8 साल की बच्ची आ और तीसरी क्लास के पढ़ती है। एक दडौली पिंड ट्यूशन से जाया करती सी और ट्यूशन से वो जी टीचर सी रजनी बाला वो को पढ़ती सी और हसबेंड ने नरेश कुमार सोनी जिन्होंने कि इन्नी घिनौनी हरकत की 52 साल की उम्र है और 8 साल की बच्ची तकरीबन 2 साल तो रेप केस हो रहा है। बड़ी शर्मसार गल है कि मानसिक तौर पर भी बच्ची इस टाइम तो परेशान हो चुकी है और शरीरक शोषण सह सह के वह बच्ची की कंडीशन इन्नी खराब हो चुकी है कि रो रो के उन्हें अपने पेरेंट्स को दसिया और गुमसुम रहना शुरू कर दिता कि बच्ची जी है ट्यूशन जाने तो भी मना कर लग गई कि मैं तो हूँ पढ़ना ही नहीं। एहो जी हरकत जी है साढ़े इस इलाके दे विच बीती है। सो असी ये केस नूं प्रशासन दे कोल लैके आए सी नंगल थाने दे विच और प्रशासन ने बहुत वधिया तरीके दे नाल साड़ी जी सुनवाई की है और जिहड़ा बच्ची दे जिहड़ा मामला वो दर्ज कर लिया केस दा ये केस दर्ज कर लिया और भरोसा दिता है कि बच्ची का मैडिकल करवा के अगली कार्रवाई जी जल्दी तो जल्दी की जाएगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਟਾ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।